हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों केवीटेक की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। दोस्तों क्या होगा आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी कॉइनडीसी एक्स के अंदर अपने पैसे को कैसे ऐड कर सकते हो, अपने पैसे को किस तरीके से बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कॉइनडीसी एक्स ऐप आती है जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग करती है, उस पर अपने पैसे को कैसे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले इस ऐप को आपको ओपन करना है। मैंने इस ऐप को पहले से ओपन कर रखा है तो आपको इसका नेविगेशन बार इस तरीके का दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्राइस सेक्शन दिखता है, माय इन्वेस्टमेंट दिखता है, अकाउंट दिखता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने अकाउंट्स के अंदर जाना है। अकाउंट्स के अंदर आपको चले जाना है। अकाउंट्स के अंदर जाके आपको सबसे पहले क्या जाना है, आपके जो फंड होता है ना अवेलेबल इन्वेस्टमेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, विड्रॉ। ये विड्रो फंड यानी कि अगर आप पैसा निकालना चाहते हो उसके लिए ऑप्शन है, और ऐड फंड के लिए यानी कि आप पैसे को ऐड करना चाहते हो उसके लिए। तो आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको अपने नंबर आ जाएगा, आपके बैंक का ट्रांसफर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने रुपये ऐड करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं 500 रुपये ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं 500 रुपीस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं 500 रुपये ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं 500 रुपये लिख देता हूँ। तो मैंने 500 रुपये लिख दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप किसके द्वारा पेमेंट करना चाहते हो, आप UPI के द्वारा करना चाहते हो या फिर किसी और चीज़ के लिए करना चाहते हो। तो UPI के द्वारा समझ लो मैं करता हूं, UPI के द्वारा। तो मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे अपनी UPI ID डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी UPI ID डालने से अच्छा तो मैं इससे ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे MobiCard लिखा हुआ, इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है। यहाँ पे वेट करने के बाद आपको वॉलेट पे क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक कर देना है, आपको कुछ समय के लिए वेट करना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको मेकअप पेमेंट पे क्लिक करना है। मेकअप पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको वापस से वेट करना है, आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। यहाँ पे अपना इंटरव्यू और मोबाइल नंबर, तो मैं अपना मोबाइल नंबर को डाल लेता हूँ जब तक मैं वीडियो के लिए थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा। और अपन जो भी पैसे ऐड कर रहे हैं वो MobiKey के द्वारा कर रहे हैं, तो इसलिए अपन को सेंड OTP कर देना है। सेंड OTP क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल पे जो OTP कोड आएगा मुझे उस OTP कोड को वहाँ पे डाल देना है। तो मुझे वहाँ पे वेट करना है। तो जब तक मेरे मोबाइल पे OTP कोड आया, तो आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में OTP कोड आ चुका है, तो मैं उस OTP कोड को अपने फ़ोन के अंदर डाल दूंगा। तो उस OTP कोड को मैंने अपने फ़ोन के अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हो तो इस OTP कोड को मैंने अपने फ़ोन के अंदर डाल दिया। मुझे यहाँ पे सबमिट करना है, सबमिट मुझे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना है। कुछ टाइम के लिए वेट करने के बाद तो देख सकते हो यहाँ पे आप अपना एक और न्यू कार्ड ऐड कर सकते हो पेमेंट के लिए, या फिर आपने पहले से ही कार्ड ऐड करके रखा हो तो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कार्ड ऐड करके रखा है, देख सकते हो 500 रुपीज। तो यहाँ पे मुझे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा कार्ड आ गया। मुझे CVV नंबर अपना डाल देना है। मेरा कार्ड नंबर दिख गया है आपको, यहाँ पे मुझे अपना CVV नंबर डाल देना है। तो मैं फट से अपना CVV नंबर डाल देता हूँ इसके अंदर। तो मैंने अपना CVV नंबर डाल दिया है। तो आप देख सकते हो मैंने अपना CVV नंबर डाल दिया। मुझे पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे मुझे क्लिक करना है। पे नाउ पे मुझे क्लिक करने के बाद तो आप देख सकते हो आपके पास में ऐसा डिस्प्ले आ जाएगा। आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। कुछ टाइम के लिए वेट करने के बाद आपके मोबाइल पे आने की जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा जिससे आपके फोन नंबर रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर एक OTP कोड आएगा। तो उस OTP कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे OTP कोड डाल दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आया। तो मुझे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। तो देख सकते हो प्रोसेस हो गया है। कुछ टाइम के लिए वेट करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट इज सक्सेसफुली, पेमेंट आपका जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो गो टू द इनर वॉलेट, देख सकते हो मैं अपने वॉलेट के अंदर चला गया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने 500 रुपए ऐड करे थे। देख सकते हो मैंने यहाँ पे 500 रुपए ऐड करे थे, मेरे 500 रुपए आए नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है, कम से कम 5 सेकंड के लिए लगभग। तो मैं अभी वेट कर लेता हूँ 5 सेकंड के लिए। तो देख सकते हो मुझे यहाँ पे वेट करना है और मेरे कुछ टाइम बाद मेरे 500 रुपए आ जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना है, मुझे बस कुछ देर के लिए, और मेरे 500 रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ भी दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे माय पेमेंट के अंदर थोड़ी देर के लिए वेट करूंगा मैं, एकदम से 500 रुपए ऐड हो जाएंगे। आपके लिए वेट करना है आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे मेरे 500 रुपए ऐड होते हुए दिख जाएंगे। वो मेरे गलती से मैंने आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, मेरे अकाउंट्स के अंदर पैसे आएंगे आने अवेलेबल इन्वेस्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो मेरे 500 रुपए ऐड हो चुके हैं। तो इसी के कारण आप अपने जो रहता है अपने अकाउंट में पैसे को ऐड कर सकते हो बहुत ही सरल और आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि इस नॉलेज को दुनिया भर में पहुंचे।